नाले का पुल बह गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल, जहां पुल की नहीं हो पाई है मरम्मत। घोरपुरा और रजपुरा के बीच नाले का पुल टूट गया है, जान जोखिम में डालकर लोग इसे पार कर रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो भ्रष्टाचार साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और ये देखिए जो पुल है वो बह गया, कितना आश्चर्य की बात है कि आधा पुल ही बह गया है और भ्रष्टाचार साफ तौर पर समझा जा सकता है। ये बड़ा एक नाला है जिसके ऊपर से पुल बनाया गया था, घोरपुरा रजपुरा के बीच का पुल ही टूट गया है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इससे आना जाना कर रहे हैं। और खबर कांकेर से है, जहां पर भारी बारिश और परेशानी की एक और तस्वीर सामने आई है। अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी उफनती नाले को पार करती हुई नजर आई, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और ये देखिए आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही। उफनती नदी को पार करती हुई स्कूल वैन भी नजर आ रही है जिसमें मासूम बच्चों को ले जाया जाता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं जब वाहन इस तेज बहाव के साथ बह जाते हैं, बावजूद इसके कोई सबक नहीं। और ये देखिए पूरे जो टायर हैं वो पानी में डूब गए हैं, तेज धार है उसके बीच से, उफनती नदी के बीच से वाहन चालक वाहन लेकर जा रहा है। कांकेर जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। अंतागढ़, कोयलीबेड़ा और पंखाजूर ब्लॉक के गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। उफनती नदी नालों पर जोखिम उठाने के लिए लोग मजबूर हैं और ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जब लोग जान जोखिम में डालकर नदी को या पुल पुलियों को पार करते हुए नजर आते हैं। तो पानी का प्रलय चारों तरफ देखा जा रहा है और अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि और ज्यादा बारिश होने के आसार बने हुए हैं। गरियाबंद में बारिश से हालात खराब हो गए हैं और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। यहां उफनती नदी में शव यात्रा निकाली गई, ग्रामीण अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते नजर आए। ग्रामीण लंबे समय से यहां पुल की मांग कर रहे हैं, पुल की मांग को लेकर कई बार हाईवे भी जाम कर चुके हैं लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर है। बाढ़ आया जिसकी वजह से गांव पूरा टापू बन गया और हम रात को उस युवक को इलाज कराने के लेके नहीं जा सके, जिसके वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। हमने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था कि आप ये काम को जल्द से जल्द चालू करें, मरम्मत करें, या जैसा भी कर कर अभी आवाजाही करने के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराएं, लेकिन शासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई जिसके वजह से आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। शासन प्रशासन से निवेदन है कि आगे ऐसी इस प्रकार से कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इसे इंडिया को जल्द से जल्द चालू करने की कृपा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए हैं। शेख इमरान, देखा जाता है कि बारिश के दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, पुल की मांग लंबे समय से थी लेकिन पुल नहीं बन पाया, क्या क्या दिक्कतें हो रही इस दौरान? जी बिल्कुल रेणु, ये जो पूरा सिस्टम को फैल कर देने वाला जो तस्वीर है ये गरियाबंद के मैनपुर कला का है, जहां उफनती नदी को पार कर ग्रामीण अर्थी को लेकर शमशान घाट तक ले जाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि ग्रामीण कई सालों से यहां पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम तक कर दिया था लेकिन इनकी सुध कोई नहीं लिया। आखिरकार इन्हें उफनती नदी को पार कर जाना पड़ा, यहां से स्कूली बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। ज्यादा पानी गिरने से इसी तरह उफान पे आ जाता है और एक गांव टापू बन जाता है, जिससे ग्रामीणों को मुसीबत उठाना पड़ता है। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से नदी नाले उफान पर है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखे ये नदी है जो अपने उफान पर है। अधिकांश इस नदी को सूखा नदी कहा जाता है टिंगेश्वर का, लेकिन यहाँ पर लगातार बारिश होने की वजह से ये नदी अपने उफान पर है। ऐसे में तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जिन गांवों में के जाने वाले रास्ते पर नदी में अगर पुल नहीं बना है तो वहां ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर ने भी लोगों को कहा है कि उफनती नदी को पार ना करें, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर गांव टापू बन जाता है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे चलाएंगे? मैनपुर कला में एक का निधन हो जाता है और अंतिम संस्कार करने के लिए जो शमशान घाट है वो नदी के उस पार होता है, तो वहाँ ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर अर्थी को अपने कंधों पर लेकर उफनती नदी को पार करना पड़ता है, जो सिस्टम
को फायर करने वाली ये तस्वीर है। लगातार ग्रामीण मांग करते करते थक जाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। यही वजह है कि जब तेज बारिश होती है और बारिश लगातार होती है तो नदी उफान पर होती है और इस समय जो तस्वीरें देखने वाली होती है वो बिल्कुल हैरान करने वाले और कई तरह के सवाल खड़े करने वाले होते हैं। हालांकि यह जो बारिश है कई लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है, तो कई लोगों के लिए राहत की बात अगर करें तो किसानों के लिए राहत की बात है कि यह बारिश उनके फसलों के लिए फायदेमंद है। तो मुसीबत की बात करें तो कई गाँव में बाढ़ की स्थिति है, घरों में पानी घुस गया है और आने जाने का रास्ता पूरा बंद हो चुका है, कई गांव टापू बन गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को वहां पर बल तैनात करने की आवश्यकता है ताकि लोगों की जान आफत में न पड़ जाए। और पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इसी तरह बारिश होने की पूरी संभावना आगे भी बनी हुई है। जी रेनू जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शेख इमरान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और लोगों को इस तरीके की परेशानी हर बारिश में झेलनी पड़ती है। खबर धमतरी से है जहां बारिश से सीता नदी में बाढ़ आ गई। 8 दहरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, पुल के ऊपर पानी चलने से आवागमन बंद हो चुका है। तस्वीरें देखिए पानी का प्रलय, एक और तस्वीर आपके सामने है, पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और इसके चलते आवागमन पूरी तरीके से ठप है। लोग काफी परेशान होते हैं जब उन्हें एक छोर से दूसरे छोर जाना होता है या किसी जरूरी काम से भी जाना होता है तो दिक्कतें हो रही हैं। वहीं धमतरी में भारी बारिश से बांध लबालब है। गंगरेल बांध 62% भर चुका है, मुरुमसिल्ली बांध 70% भर चुका है, दुधावा बांध में 52% और सोंडूर बांध में आया 63% पानी। जिले के चारों बांध डेंजर जोन से बाहर आ चुके हैं। और संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, जिले के चारों बांध डेंजर जोन से ऊपर आ चुके हैं, देखा जा रहा है कि तमाम जो नदी है नहर है पूरे भर चुके हैं बारिश के दौरान। रीनू देखिए, ये बारिश थोड़ी आफत तो जरूर रही लेकिन बहुत बड़ी राहत भी लेकर आई है। धमतरी के जो चारों बांध है वो करीब आधे छत्तीसगढ़ के काम आते हैं, उसका पानी सिंचाई की बात हो या पेयजल की बात हो। और बीते मई महीने में चारों बांध पूरी तरह से सूख चुके थे, डेड स्टोरेज का पानी बस रह गया था। और अब जो पिछले 8-10 दिन से जो बारिश हो रही है उससे अब इन बांधों की हालत काफ़ी सुधर गई है। सभी बांध 50-60% के लगभग भर चुके हैं और ये जो खतरे का जो अंदेशा था कि अगली गर्मी अगर हालात खराब रहे तो फिर जीवन कैसे चलेगा, तो उस खतरे से बाहर निकल के आगे बहुत बड़ी राहत है। दूसरा, किसानों की बात करें तो जिले के किसान काफी खुश है क्योंकि ये बारिश का जो समय है, जिसकी टाइमिंग है और इसका जो पैमाना है वो बिल्कुल खेती को, धान की फसल के लिए उपयुक्त है। उसके साथ बहुत अच्छे से उसकी फसल होने की उम्मीदें किसानों को जागी हैं और वो बिल्कुल अपने काम में लग चुके हैं। तो ये बारिश आफत कम और राहत ज्यादा लेकर आई है रीनू। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने कि ये बारिश आफत ज्यादा लेकर आई है, राहत तो कम है ही। हालांकि किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन जिस तरीके से उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ बारिश की वजह से हालात बदतर बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर में जर्जर